खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां नगर परिषद में आयोजित बजट बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में शुरू होते ही प्रतिपक्ष के पार्षदों ने सभापति पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा शांत होने के बाद फिर से बोर्ड बैठक शुरू हुई। इस दौरान वर्ष 2023-24 का बजट पास करने के साथ अन्य मुद्दों पर बात आगे बढ़ी तो फिर से हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद भाजपा के पार्षद सदन से वॉकआउट कर गए। इस दौरान पूरे घटनाक्रम से भाजपा पार्षद आहत हुए और मामला कोतवाली थाने तक पहुंच गया और इसी को लेकर सभापति संदीप शर्मा से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की बजट बैठक हुई। निश्चित तौर पर बजट बैठक शुरुआत से ही हंगामेदार रही। हमारे साथ हैं सभापति संदीप शर्मा, जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से बजट बैठक हुई निश्चित तौर पर शुरुआत से हंगामेदार रही, किस प्रकार के प्रस्ताव लिए गए। आज जो हमारी नगर परिषद बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि आज की बैठक में हमने बजट पास किया। उस बजट को आधार पर हमको पूरे वर्ष पर्यंत शहर का विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रतिपक्ष के पार्षद हैं, इन्हें इनके आलाकमान ने पहले ही एजेंडा देकर भेजा था कि किसी भी प्रकार से तुमको बैठक का बहिष्कार करना है, ताकि जो शहर के विकास के लिए जो खाका हमारे बोर्ड के सभी साथियों ने मिलकर बुना है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पावे और एक किसी भी प्रकार से इस बैठक को आप समाप्त करवा देना। इसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने बैठक के प्रारंभ होते ही मैं कोई प्रस्ताव रखूँ उससे पहले उन्होंने हंगामा प्रारंभ कर दिया। और आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा कि बहुत लंबे टाइम तक पहले वो शोर शराबा हंगामा करते रहे। बाद में जब बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई, हमने प्रस्ताव रखे तो उस दौरान भी प्रतिपक्ष के साथियों ने कई अपशब्दों का प्रयोग किया और जिस प्रकार तैश में आके पार्षद साथी श्री छोटू सिंह जी ने आज बोर्ड में व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है। जो पक्ष प्रतिपक्ष में भी उस चीज़ को लेकर नोकझोंक हुई और लास्ट में इनकी जो तयशुदा प्रक्रिया थी उसके अनुसार ये बोर्ड बैठक को छोड़कर चले गए। हमने आज की जो बोर्ड बैठक में हमारा 202.50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मुझे कहने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने महाराणा प्रताप, जो चित्तौड़ का गौरव है, हम सभी चित्तौड़वासियों को गर्व है, हमने उनके एक विशाल का प्रतिमा चेतक घोड़े पर सवार वो प्रतिमा लगाने के लिए 50 लाख रुपए की हमने स्वीकृति ली है। और ओठरी चौराहे पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो भूमि है वहाँ पे हम NOC प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और किसी वर्ष किसी कारणों से NOC नहीं मिलती है तो हम सभी सामाजिक संगठनों से चर्चा करके अनंतरी मूर्ति को स्थापित करेंगे। और भी हमने शहर के विकास के कई बड़े बड़े प्रस्ताव आज हमने लिए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो पार्षद होते हैं निश्चित तौर पर शहर के विकास के लिए चुने जाते हैं, लेकिन खुद ही जब समस्या बनकर खड़े हो जाते हैं तो इस प्रकार की समस्या सामने आती ही है, जिस तरह से आज बोर्ड बैठक में देखने को मिला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की मूर्ति का जो प्रस्ताव लिया गया है वो काबिले तारीफ और गौरव में है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़।